यार इनका माशाल्लाह बच्चा भी बहुत बड़ा हो गया और आप ज़्यादातर अपने बच्चे को टाइम भी नहीं देते। अभी अभी ये नीचे थी, आप दोबारा जाके बैठ गई है, वरना मेल और फीमेल आपस में खेल रहे थे। तो आप देखते हैं इसका बच्चा कैसा है। मैंने तो अभी अभी देखा, इसका बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था यार। अब अंधेरा पता क्यों हो गया इसमें, मैंने यहाँ पर इस साइड पर शापर लगा दिया ताकि इनको रात को सर्दी ना लगे, और वजीज़ की भी वहाँ पर ना मैंने लोहे की चादर लगा दी, इसलिए ना यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया है। लेकिन यार ठीक है यार, सर्दी है ना, अब करना तो पड़ेगा इन्हें। तो यार गाइस ये है हमारा माशाल्लाह डॉग का बच्चा, देखे कितना प्यारा हो गया यार ये। ये देखिए इसने आंखें भी खोल लिया, और इसके अभी चूंच छोड़ी थी ना उनसे जब छोटी है, लेकिन ये भी बड़ी हो जाएगी। इसने ना अपने धूम से छुपा लिया दोबारा से, यार कितना प्यारा हो गया है। मैंने ये देखा ये 15 दिन के अंदर ना, अब 5 या 4 दिन का ये हो गया, 15 दिन के अंदर ये माशाल्लाह उड़ना स्टार्ट कर देगा। इसका हैचिंग टाइम भी 15 डेज होता है एग का, और तकरीबन बच्चा भी 15 दिन के अंदर ना सेल्फ हो जाता है फुल। यार ये देखो इसको 4 दिन हुआ है, और ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, पर भी आना स्टार्ट हो गया। हेलो गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार बजीज के बच्चों की आवाज़ें सुने, कितनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, और अब ये ना आपको नहीं आ रही होंगी, मुझे आ रही है। स्पीकर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, और इन सारे डोलियों में यार अब बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे निकले पड़े हैं। हम दोबारा जब अपनी कॉलोनी प्रोग्रेस चेक करेंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ पड़ा इनमें। और ये पहले डोली में भी मुझे लगता है बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि आज जो मेल है ना वो बैठ के ना अपने ना फीमेल को फीड करवा रहा था। यार आज ना आप ये ना समझना कि मैं इनको सॉफ्ट फूड नहीं डाल रहा, मैं इनको सॉफ्ट फूड मैंने डाल दी थी थोड़ी देर पहले, मैं था इनको सबको सॉफ्ट फूड भी डाल दिया। रोज़ाना डालनी पड़ती है, बच्चे जब पैदा हो रोज़ाना डालनी पड़ती है, लाजमी होता है ये इनके लिए। मेरी फसल आपने कब से नहीं दिखाई मैंने आपको, ये देखो यार ये है मेरी फसल, इसको उठा लेते हैं और मैं आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ। यार मैंने ना यहाँ पर पहले इसमें था बाजरा शामिल इसके अंदर, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी गंदम डाल रही थी, लेकिन फिर मैंने ये देखा था कि गंदम जैसे कि जैसे मैंने डाली है ना, ये देखें वैसे कि वैसे ये पड़ी हुई है, और ये बिल्कुल भी ना इसने ग्रोथ नहीं की थी गंदम ने, पता नहीं क्यों यार क्या रीज़न हो सकता है कि गंदम ग्रोथ नहीं की, बाकी हर चीज़ इसमें ग्रोथ कर गई है। बाजरा जो इसमें शामिल था पहले से ही वो इसमें लगा रह गया, और बाजरा इसमें से ये सारे बाजरे के पौधे निकले हुए हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ निकल आई है, ये देखें ये जो चीज़ है ना, इसको आप ज़रा समझने की कोशिश करें, ये पता क्या है, ये बड़े बड़े निकल आए हैं, ये मैंने पहले नहीं उगाए, ये इसके बाद उगाया है। ये ऐसी चीज़ें जो देर से ग्रोथ करती है, और ये देखें ये देख रहे हैं छोटा सा पौधा, ये है जी लहसुन का, मैंने इसमें लहसुन लगा दिए थे, ये देखें एक ऊपर पड़ा हुआ है। अभी मैंने क्या किया है, परसों और तरसों पता नहीं किस दिन मैं आया हूँ, मैंने ना शाम को ना इसके अंदर ना सारा लहसुन उगा दिया, लहसुन की फलियाँ होती हैं ना, देखें ये इस साइड से, ये देखें इसके अंदर से भी पौधा निकला हुआ है। और यार ये जो लहसुन की फली होती है ना एक, ये इस साइड से इसकी होती है समझो धूम वाली साइड, ये यहाँ से ग्रोथ नहीं करती और इस साइड से ये ग्रोथ करती है, और इस तरीके से लगा दिया था। और ये देखें ये ऊपर पड़ी हुई थी एक, लेकिन मट्टी इसको पता नहीं लग गया या पता नहीं मौसमी, ये देखें इसके ऊपर भी पौधा निकल आए, इसको उगा देते हैं ताकि इसके अंदर से भी ना पौधा निकल आए। यहाँ पर सुराख करके इसको लगा के इसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं, और शाम को फिर हम इसके ऊपर पानी देंगे ना, ये भी उगाएगी यहीं से। तो यार ये अब लहसुन है, जैसे ही बड़ा होगा ना हम इसको काट के अपनी सब्जियों में इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ठीक लहसुन है ये। ये देखो भाई मैंने भजी इसकी फीड का बर्तन बना लिया, ये अब इतना ऊंचा है जो भजी अगर उड़ेगा भी सही अपने पैरों में खुराक लेकर मैक्सिमम यहाँ तक आ सकेगा, खुराक अगर जहाँ पर उसकी छूट भी जाती है ना तो इस बर्तन के अंदर गिरेगी इसकी। ये देखें ये मैंने काट के ऊपर से इसको जो नुकरे थी वो मैंने मोड़ लिया अंदर की तरफ, ताकि चुभे नहीं मुझे भी और भजी इसको भी, ये ना कि कोई जख्म हो जाए। और इसमें ना यार थोड़ा थोड़ा घी था, मैंने इसको धूप में उल्टा करके रख दिया, इसमें से ये घी जो है ना ये अच्छी तरह सूख जाएगा, फिर हम इसको कपड़े से खुश करके इसके अंदर खुराक डाल के रखेंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट बर्तन बन जाएगा अपने बजीज के लिए लेवल का। वो बोतल उस दिन हम काटने लगे लेकिन वो सारी टूट गई थी। जब अभी जब मैं ऊपर आया हूँ ना, मैंने देखा ये जो कोयल है ना मेरी, ये अपने ऊपर वाले घर में गई बैठी थी, जो मैंने इसके लिए घर बनाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला घर, इसके अंदर ना ये जहाँ पर गई बैठी थी यार, हालांकि ये खराब हुआ पड़ा है यानी कि नीचे गिरा पड़ा है, लेकिन इसके अंदर गई बैठी थी। और ना अब मैंने इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, हो सकता है इसको ये घर पसंद हो गया और इसमें जाके अंडे देने वाले, क्योंकि यार ये अब अडल्ट हो गई है और ये अब अंडे दे देगी यार। यहाँ पर मैंने इसके सारे घर बनाए हुए, जहाँ पर भी देना है इसने अब अंडा दे देगी। अब ये बहुत करीब है यार, आज गई भी हुई थी अंदर, मैं आया हूँ तो डर के वहाँ पर चली गई है, जब मैं आता हूँ तो वहाँ पर चली जाती है, जब मैं उधर से आता हूँ ना अचानक तो ये सारे यहाँ पर बैठे होते हैं, एक यहाँ पर एक उधर पीछे, ये देखें ये इसकी सारी वीट्स वगैरह पड़ी हुई, यहाँ पर दो कोयल से यहाँ पर बैठे हैं, एक व्हाइट वाली एक और एक तो आज इसके अंदर गई बैठी। यार दुआ करो यार ये बहुत जल्द अंडा दे दें ताकि मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। यार मेरी फिंचिस का मेल माशाल्लाह इतना प्यारा हो गया ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जो जब हम लेके आते ना इसके कलर पूरे नहीं थे, और अब इसके सारे कलर्स पूरे हो गए हैं, और ये ना यानी कि जहाँ पर व्हाइट था वहाँ पर व्हाइट ज़्यादा हो गया, जहाँ पर ब्लैक था वहाँ पर ब्लैक हो गया, इतना यानी कि क्लियर कट हो गया अभी। अब मेरे ख्याल में ये अडल्ट हो गया, पहले ये अडल्ट ही नहीं था। ये देखो यार ये कितना प्यारा लग रहा है। अब बस इसने जो अंडे देगी ना आप फीमेल, वो इंशाल्लाह फर्टाइल होंगे, और हम देखते हैं कि शायद इसने अंडे दे भी दिए हों। दरवाजे को खोलते हैं और चेक करते हैं। इसके ऊपर ना यार मैंने आपको बताया था एक प्याली रखी थी, मैंने कहा था यार इसका ढक्कन बंद हो जाए, लेकिन इसने उसके अंदर एक घोंसला बनाना स्टार्ट कर दिया, तो तब मैंने वो निकाल दी। देखिए कितना शोर कर रहा है यार ये, देखते हैं इसके अंदर। नहीं यार अंडा नहीं है अभी, अंडा नहीं है अभी, अंडा नहीं है यार, पता नहीं किस दिन दे दिया अंडा।
दे दे यार, दे दे यार, बस कर दे। जो छोटे पीस हैं बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं इससे, और जो बड़ा है यानी कि जो फुल अडल्ट मेल है, ये देखें मैं इनको प्यार करने लगता हूँ, और देखें इसको कैसे ऐसे लगता है शायद यार मेरे साथ मोहब्बत नहीं रह गई। आ जा तू भी आ जा। ये पर किस चीज़ का लगाया हुआ है, उतार इसे यार। ये क्या लगाया हुआ है मुँह पर, मुँह तो साफ क्या कर। मैंने तो सुना था कि तोते सफाई पसंद होते हैं, हैं कर रखे गंदा कर रखे मुंह को, उतार ही नहीं रहा यार। खैर खुद उतारेगा। ये देखा, अब मैं उसको प्यार करने लगा हूँ, ये सारे के सारे नीचे से बैठे हुए ऊपर आ गए हैं। बड़ी रीस है इनको यार एक दूसरे की। सारे आ जाओ। मैं एक को प्यार करने लगता हूँ और बाकी को लगता है यार हमारे से शायद मोहब्बत नहीं है, और वो सारे एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं। अब मैंने उसको हाथ लगाता हूँ तो वो आ जाता है, उसको हाथ लगाता हूँ तो वो आ जाता है। खैर यार इनके लिए मैंने एक और भी पैकेट ले आया हूँ चनों का, ये भी स्टार्ट करवाएंगे अभी जैसे ये ख़त्म होगा ना तब। अब बस इसमें थोड़े से चने रह गए हैं, तो यार ये इनके लिए ना बहुत अच्छे रह जाते हैं चने। वैसे मैंने ना चने की खुराक में भी मिक्स किया हुआ है थोड़े से, लेकिन इनको ऐसे भी खिलाया ना, क्योंकि जो खुराक में मिक्स होते हैं ना, तो जैसे ही हम खुराक रहते हैं ना, ये तो चने उसमें से फ़ौरन चुन के खा लेते हैं, बाकी बह जाती है मिक्स फीड। और इनके लिए यहाँ यहाँ आते आ जाओ, शाबाश। वो गए पड़े अंदर, गए पड़े सारे, खाओ। हाँ, पहुँचो, खा गए वो, पहुँच यार खा गए वो। अब तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है, क्या मसला यार इसका, यहाँ पर क्या हुआ है देखो यार, ये जो देखें इसके, पता नहीं मैला है या खून निकला है, क्या है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है इसको। ये देखें ना, ये कैसे क्लियर कट है, ये भी ऐसे क्लियर कट है। यार ये तो वो है ना हमारा टाइम पैरेट है, ये हमें कुछ नहीं कहता। ये जो है ना, ये थोड़े से डरते हैं यार। इनको हमने हाथ से पहले ये हमने लिया था टैम्ड, लेकिन ये देखें ये फिर भी टैम है, लेकिन वो जो है ना वो भी डरते हैं थोड़े थोड़े। लेकिन अगर साफ रोने को खिलाओ ना, वो खा लेते हैं। अगर ऐसे कहो ना कि प्यार कर लो, ऐसे प्यार पर नहीं आते। जैसे वो बच्चा होता है ना, उसको अपने पास बुलावा चॉकलेट दूंगा आराम से भागता, लालच देनी पड़ती है थोड़ी सी। इसे भी ऐसे सॉफ्ट फूड की लालच दो ना, ये तब भी आता है। इनमें मेरे पास ना प्यारा सा एक मेल है बस, और मेरे पास ना फीमेल्स बहुत सारी हैं। एक मेरा दिल कर रहा है अब इनके लिए ना एक और मेल ले, क्योंकि मेल कम है शायद, इसलिए ये बच्चे नहीं दे रहे। ब्लैक और वाइट जो है, और जब बिल्कुल ब्लैक है, इन्होंने तो मेरे पास इतने प्यारे माशाल्लाह बच्चे दिए थे ना, कहाँ गए। हाँ ब्लैक और वाइट वो बैठी है, और ब्लैक वो बैठी है। इन्होंने इतने प्यारे मेरे पास बच्चे दिए थे ना, एक ने 5 बच्चे दिए थे और एक ने 4 बच्चे दिए थे। बहुत प्यारे इन्होंने ब्रीड की थी, और इनके बच्चे भी बहुत सारे थे। अब बहुत सारे बिक गए हैं, कुछ खा लिए हैं, और एक मेरे ख्याल में पता नहीं यार 2 वो मर गए हैं बेचारे, पता नहीं यार कैसे मर गए हैं वो। तो यार बस अब जल्दी से जल्दी ना इनके मेल को अरेंज करना है। देखो मैं इस साइड पर आया हूँ, दरवाजा ऐसे बांध के फिर तो पिंजरे के नीचे से निकला है। ऐसे मैं एक को पकड़ने लगता ना, सारे भाग के पिंजरे के नीचे चले जाते हैं यार, हमें ना पकड़े। इसको लटका देते हैं वरना हमारे जो देखें यार, मैं कह रहा था हमारे चूजे तो रह नहीं गए ना, वो तो हम सारे खा लिए हमने। बाहर ले जाते चूजों का डर बहुत होता था, ये मानने की बात है, इतना डर होता था ना चूजों का मुझे कि यार कोई चीज़ यहाँ पर नहीं रखनी। देखें इस टाइम भी आप देखें, ये चीज़ें पहले मैं यहीं पर छापर में रख देता था, चूजे क्या करते थे ऊपर आ जाते थे, छापर को ख़राब करके फाड़ के उसको आधी जाया आधी खा ली, ऐसे करते थे। अब देखिए हर चीज़ डर के हमारी मुर्गियों को खुराक अंदर पड़ी, हालांकि खरगोश तो ऊपर नहीं आते थे, मैं ऊपर रखता हूँ, लेकिन अब ऐसी आदत बन गई है ना चूज़ों के पीछे, अब हर चीज़ अंदर है। चने हैं वो ऊपर लटके हुए हैं, ये देखा थोड़ी देर में बाहर गया हुआ था, ये यहीं पर आ गई है। वो देखें, वो वापस जा रही है ना, वो भी यहीं पर थी, वो डर के भाग गई है, लेकिन अभी ये नहीं भागे, देखा भाग गई। मैं जैसे यहाँ पर आता ना, मेरे से इनको पसंद यही जगह है, लेकिन मैं वहाँ पर आता हूँ, पता नहीं यार ये डरते क्यों, मैं कोई पहले तो नहीं डरती थी मेरे से, ये अब उस वक्त तक बैठा रहेगा जब तक मैं नीचे नहीं जाऊँगा। मैं नीचे जाता हूँ ना, फिर जाकर अपनी फीमेल से खेलने लग जाता है, लेकिन ऐसे यार नीचे क्यों बैठी हुई आराम से, अरे उठते जरा हरकत कर। हाँ शाबाश, साफ फूड खाएगी, रुकती है साफ फूड देता हूँ। अब क्या दूँ इसे साफ फूड यार, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, जो गंदम वगैरह भिगोई थी वो मैंने अपने बगीज को डाल दिया, और इसे मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो मैं इसके लिए नीचे से कोई रोटी मैं अभी ले तो आया था, वो मैंने अपने इस खरगोशों को डाल दिया, कुछ भी नहीं बचा हुआ मैंने इसके लिए साफ फूड के लिए। साफ फूड मैं नीचे से ले आता हूँ और इसको डालता हूँ कुछ ना कुछ, ताकि इसको भी डाल देता हूँ साफ फूड। तो यार अभी मैं नीचे जा रहा हूँ अपने डक के लिए साफ फूड लेकर, तो ताकि ये साफ फूड करके इसका बच्चा है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।